जब मदर कहती है कुछ नहीं खाता है तो मैं बोलता हूँ खाता है कि नहीं खाता चॉकलेट, बोला दिन भर खाता है, तो फिर पेट भर गया ना चॉकलेट से, भर गया पेट तो कैलोरी। वेलकम पेरेंट्स, इनफैक्ट मदर्स, क्योंकि मेरे वीडियोस तो आपके लिए रहते हैं और स्पेशली बच्चों की डाइट से रिलेटेड, उनके न्यूट्रिशन से रिलेटेड। कल ऐसे ही एक मदर मेरे पास आए थे ओपीडी में अपने बच्चे को लेकर के, छोटा बच्चा था उनका 1.5-2 साल का। उनका एक सेंटेंस था जिसने मुझे बिल्कुल हिला के रख दिया। मदर ने मेरे से ये कहा कि डॉक्टर साहब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मेरा बच्चा जिंदा कैसे, ये कुछ खाता ही नहीं है। हालांकि सभी मदर्स की 99% आप सबकी कंप्लेंट रहती है कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आप अपने बच्चे के खाने से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं, आपको हमेशा लगता है कि मेरा बच्चा कुछ खाता ही नहीं है। जब मदर ने मुझे को ये बोला, उसके कुछ देर बाद जब मैं अपने चैनल को चेक करा था तो वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा कमेंट मिला, शानदार। वो एक मदर का कमेंट किया हुआ था जो मेरे डाइट प्लान से रिलेटेड लास्ट के कुछ वीडियोज हैं उसके ऊपर, उसमें उन्होंने बताया कि वो भी परेशान थी, फिर उन्होंने कुछ ट्रिक्स अपनाई और अब वो बहुत खुश है। अब मैं उनका कमेंट पढ़ रहा हूँ आपके सामने और इस कमेंट में से आपको वो 5 ट्रिक निकाल के दे रहा हूँ जिससे कि उनको इस प्रॉब्लम में हेल्प मिली है। मतलब जो बच्चा खाता नहीं था अब वो खाने लग गया है, जो बच्चा बहुत फसी ईटर था अब वो एक अच्छे से खाने लग गया, मतलब उसको मदर को परेशानी नहीं हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका नाम है उरुसा। उरुसा जी ने लिखा है कि मेरी डॉटर की अंडरलाइंग हेल्थ इश्यूज़ है, शायद उन्होंने गलत कर दिया रहे होंगे। उसकी डॉक्टर ने भी मुझे ऐसे ही डाइट प्लान दिया, जब मेरे डाइट प्लान के वीडियोस देखे तो उस पर कमेंट किया, ये ध्यान रखिएगा। मैंने उसकी डायरी मेंटेन करी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टिप नंबर 1। मदर ने डायरी को मेंटेन किया, लिखना चालू करा है कि मैं सुबह क्या दे रही हूँ, दोपहर में क्या दे रही हूँ, रात में क्या दे रही हूँ। आप याद रखिएगा, जब आप लिखते हैं तो आपको अपनी कमियाँ दिखने लग जाती हैं। जब हम रैंडम वे में चलते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि क्या चल रहा है। जैसे ही आपने पूरे दिन का हिसाब किताब करा, रात को जब उसे आप पढ़ते हैं तो समझ में आता है ओहो यहाँ गलती हुई है। तो टिप नंबर 1, डायरी मेंटेन कीजिए। यस, लिखिए आप अपने बच्चे की डाइट कैसे बना रहे हैं। फिर उन्होंने लिखा है कि डायरी मेंटेन करी, किस फूड में कैल्शियम, आयरन एंड फाइबर्स होते हैं इसकी एक लिस्ट बनाई और फिर उसके अकॉर्डिंग उसका डेली प्लान बनाती थी। टिप नंबर 2, आपको नॉलेज लेना है, किस फूड के अंदर क्या मिल रहा है, आयरन के सोर्सेज क्या हैं, फाइबर्स के क्या हैं, कैल्शियम के क्या हैं, प्रोटीन्स के क्या हैं। बच्चे को तो सब कुछ चाहिए और यहाँ पर तो बढ़ता बच्चा है वो, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर्स, उसको हर चीज़ चाहिए, केवल एक ही नहीं कि आपने सुबह से शाम तक आप उसे केवल कैल्शियम ही कैल्शियम दिए जा रहे हैं। तो दिस इज़ टिप नंबर 2, आप थोड़ा पढ़िए, आप थोड़ा नॉलेज लीजिए। आप मेरे वीडियो देख रहे हैं यहाँ से भी मिल रहा है, आप गूगल कर सकते हैं कि हाँ आयरन के सोर्सेज क्या हैं, विटामिन ए के सोर्सेज क्या हैं, थोड़ा ध्यान रखिए इसके लिए। अब ये उसी के अकॉर्डिंग उसका डाइट प्लान बनाती थी। फर्स्ट थिंग, मेरे डॉक्टर ने बोला कि डाइट से मिल्क को ख़त्म कर दो। देखिए मैं इस फेवर में नहीं रहता हूँ कि मिल्क को ख़त्म कर दीजिए, आप मेरे लास्ट कुछ वीडियोस देख रहे होंगे तो वहाँ मैंने कहा है कि मिल्क हटा दीजिए, बट ये उन बच्चों के लिए था जो हाईली कॉन्स्टिपेटेड थे, जिनकी डाइट में फाइबर नहीं जा रहा था और सुबह से शाम तक मिल्क 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 जा रहा था। आप लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मिल्क से सब चीज़ नहीं मिलने वाली, ना फाइबर्स मिलने वाले हैं, ना आयरन बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो उन्होंने, उनके डॉक्टर ने कहा कि मिल्क को ख़त्म कर दो एंड बटर मिल्क, कर्ड और पनीर दो। यस, छाछ दीजिए, दही दीजिए, आप पनीर दीजिए। अब जो दही है ये तो बहुत इंटेस्टाइनल फ्रेंडली है, प्रीबायोटिक्स हैं, बहुत अच्छी चीज़ रहती है, आप ज़रूर बच्चे की डाइट में इंक्लूड करें। और पनीर जो है वो प्रोटीन्स का बहुत अच्छा सोर्स है, तो आप होममेड पनीर जो है, मैं उसको थोड़ा प्रमोट करता हूँ कि आप घर के बनी हुई चीज़ है उसे आप दीजिए। इनिशियली बहुत प्रॉब्लम होती थी, मेरी बेटी कुछ नहीं खाती थी। आप सब लोग इस स्थिति से गुजर रहे हैं या गुजरे होंगे, बच्चे जो हैं वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं नया फूड, बहुत मुश्किल होती है। बट फिर पर मैंने उसे कभी बिस्किट नहीं दिया, दिस इज टिप नंबर 3। यस, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे को क्या नहीं देना है। आप जब लिस्ट बना रहे हैं तो यहाँ पर ये फूड भी निकल के आएंगे कि क्या नहीं देना है ये। अब बच्चा उस खाने से यदि अपना पेट भर लेगा जो कि स्वादिष्ट है, स्वाद लग रहा है, बट हेल्दी नहीं है। एक होता है कैलोरी डेंस फूड, एक होता है न्यूट्रिएंट डेंस फूड। आप कैलोरी डेंस, आप बिस्किट्स दे रहे हैं, कैलोरी डेंस है, लेकिन वो न्यूट्रिएंट डेंस नहीं है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे को मुझे न्यूट्रिएंट डेंस फूड जो है वो उसकी डाइट में इंक्लूड करना है। ये मेरे लिए सबसे अच्छी टिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने उसे कभी बिस्किट नहीं दिए। बहुत ज़्यादा मीठा रहता है और कैलोरी ज़्यादा जाती है, उसके बाद बच्चे का पेट भर जाता है।
अब स्वाद की वजह से वो मीठी चीज़ें तो और खा लेगा लेकिन हेल्दी फूड्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। फैमिली से बहुत प्रेशर रहता था, मॉर्निंग में पार्ले जी और मिल्क दो, ये तो हमारे यहाँ का हिंदुस्तान का फेवरेट बच्चे का स्टार्टिंग का सुबह का खाना रहता है। पर मैंने किसी की नहीं सुनी, दैट्स ग्रेट, पर मैंने किसी की नहीं सुनी। ऐसे मदर होने चाहिए, जब आपको लगता है कि यू आर राइट, आप अपने उसके ऊपर पूरा चल रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अब मेरी बेटी 4 साल की हो गई है, अब बेटी कितने की होगी, 4 साल की होगी। मेरे लास्ट 2 ईयर की मेहनत दिखती है, मेरे लास्ट 2 ईयर की मेहनत दिखती है, वो वेजिटेबल्स खाना पसंद करती है। अब देखिए यहाँ टिप नंबर 4, मेरे लास्ट 2 ईयर्स की मेहनत दिखती है, पेशेंस रखा है मदर ने। हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, आपने बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाया और बच्चे ने नहीं खाया तो अब क्या होगा, आप एकदम पजल्ड हो जाते हैं। मैंने देखा है ऐसा, मदर्स आकर बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इतना बुरा लगता है कि मैं इतनी मेहनत से खाना बनाती हूँ और ये मुँह फेर लेता है, दूसरी तरफ एक स्पून भी नहीं खाता है। बट पेशेंस रखिए, हेल्दी फूड है, डेली ऑफर करना है और इसके बहुत सी ट्रिक्स हैं, मेरे बहुत से वीडियोज हैं, उनको देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो अब ये 2 साल बाद इनको रिजल्ट मिलने चालू हुए हैं, आप याद रखिएगा, आफ्टर 2 ईयर्स। तो ये है टिप नंबर हमारी 4, पेशेंस, वो वेजिटेबल्स खाना पसंद करते हैं। और याद रखिए, मुझे वो बच्चे या वो पेरेंट्स के प्रति मेरा रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता है जब वो कहते हैं कि मेरा बच्चा वेजिटेबल्स खाता है। बच्चे वेजिटेबल्स बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, कारण सबसे ज़्यादा हेल्दी रहती हैं लेकिन टेस्टी नहीं रहती। मैं पुणे से हूँ, मेरी बेटी को डोसा या चीला अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छी बात है। मैं उसी में वेराइटीज़ देती हूँ, लाइक ब्रेकफास्ट में राइस डोसा, रागी डोसा, बेसन चीला, रवा डोसा, रवा उपमा, रवा हलवा, रागी हलवा, ड्राई फ्रूट्स का मिक्स्ड पाउडर इन हलवा, एग्स, ऑट्स, बनाना, पैनकेक्स एट्सेट्रा। यहाँ पर आती है टिप नंबर पाँच है आपके पास कि फूड फैमिलियर होना चाहिए और एंड सबसे इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़, उसी फैमिलियर फूड की जो आपके यहाँ पर स्टेपल फूड है आपके एरिया में, मुंबई में क्या है, कोलकाता में क्या है, उड़ीसा में क्या है, राजस्थान में क्या है, तो उसी के अंदर आपको वेराइटीज़ बनानी है हेल्दी की, जैसे इन मदर ने बनाई है। तो दिस इज़ टिप नंबर 5 कि फूड फैमिलियर होना चाहिए एंड वेराइटीज़ होना चाहिए। अब ये मदर बहुत खुश हैं, इनकी बच्चे, इनकी जो लास्ट के 2 साल की जो मेहनत है वो अब रंग लाई है, बच्चा वेजिटेबल्स खा रहा है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसको सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगा है, ज़्यादातर बच्चे वेजिटेबल्स एक्सेप्ट नहीं करते। तो अब हमारा कई बार हम सोचते हैं कि एक होता है बच्चे का केवल पेट भरना, वो आप उसके नमकीन और बिस्किट से भर सकते हैं, चॉकलेट्स दे दीजिए भर जाएगा। जब मदर कहती है कुछ नहीं खाता है तो मैं बोलता हूँ खाता है कि नहीं खाता चॉकलेट, बोला दिन भर खाता है, तो फिर पेट भर गया ना, चॉकलेट से भर गया पेट, तो कैलोरी चली गई उसे जो चाहिए थी। तो इसलिए हमारा उद्देश्य पेट भरना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि बच्चे को एक न्यूट्रिएंट डेंस ऐसी डाइट जो उसके विकास के अंदर, शरीर के विकास में, बुद्धि के विकास में उसके सहायक। तो आज मैंने ये 5 जो टिप थी वो आपके साथ में शेयर करी है, जो इन मदर की तरफ से थी, इसी कमेंट में से मैंने निकाली है आपके लिए। डायरी मेंटेन की, नंबर 1 नॉलेज, आप ध्यान रखिए कि किस में क्या मिल रहा है। टिप नंबर 3 क्या नहीं देना है, यस ये सबसे इम्पॉर्टेंट है याद रखिएगा। पेशेंस टिप नंबर 4, हार मत मानिए, आप मदर हैं, आपको पूरा जान लगा देने की, खिलाएगा तो अच्छा ही खाना खिलाना है मुझे। एंड टिप नंबर 5 फैमिलियर फूड है, वेराइटीज़ का ध्यान रखना। तो ये आज का वीडियो था और ये वीडियो मैंने डेडिकेट करा है उरुसा जी 322, इनके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। एंड आप सभी लोगों को इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, सभी मदर से मेरी एक ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमेंट्स दीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। Thank you.